मुल्की सतह पर सरकार की तरफ से एक बड़ी तब्दीली की गई है और ये तब्दीली है आधार कार्ड्स के हवाले से। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, कितने साल आपके आधार कार्ड को हो गए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें अपडेट ये है कि सरकार ने क्लेरिफिकेशंस जो दी हैं कि आपका आधार कार्ड जब से बना है, जब आप रजिस्टर करवाए थे सबसे पहले, तब से लेकर अब तक किसी वजह से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, जो अपडेट है वो नहीं हुआ है, तो फिर आपको जो आधार कार्ड के बेस पे जो मरकज़ की सरकार की है स्कीमें हैं या रियासती सरकार की हैं या यूटी लेवल पर जो सरकारी स्कीमें होती हैं, उसका फ़ायदा, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। दो तीन चीज़ें क्लियरली हैं, फटाफट से मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये कि सरकार ने जो रूल्स थे, जो कवायद जवाबित थे, उसको अपडेट कर दिया है। उसके यानी आपको आधार कैसे चलाना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे करना है और इसका क्या फ़ायदा है, इसके जो रूल्स थे उनमें तरमीम की गई है, संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट सरकार की तरफ से की गई है। अब जो आधार कार्ड होल्डर है यानी जिस किसी के पास आधार कार्ड है, कम से कम 10 साल पूरे होने के बाद एक बार एनरोलमेंट डेट जो है उसको अपडेट करना होगा। जब से आपने एनरोल कराया था तब से लेकर 10 सालों में एक बार आपको अपडेट करना होगा। 134 करोड़ यानी 1 अरब 34 करोड़ से ज़्यादा आधार कार्ड पूरे मुल्क के अंदर आज तक इशू किए जा चुके हैं। ये सरकारी डेटा है, ये हम नहीं बता रहे हैं। दो बातें बड़ी आसानी से कि कम से कम 1000 स्टेट और या जो मरकज़ी सरकार की स्कीमें हैं वो आपको आधार के बेसिस पे मिलती हैं। आइडेंटिफिकेशन जो होती है आधार की और अथेंटिकेशन, ट्रांसफ़र जो होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स, फ़ायदे सरकार पहुंचाती है। और डुप्लीकेट आधार से बचने के लिए सरकार ने ये अपडेट ज़रूरी करा दिया है, लाजमी करा दिया है। अपडेट अगर आप कराते हैं तो आधार रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, आधार से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, सेंट्रल आइडेंटिटीज़ डेटा रिपोजिटरी CIDR, गैजेट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की तरफ से, उसने कहा कि आधार नंबर होल्डर्स जो हैं वो 10 साल इसके पूरे होने के बाद, यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है 10 बरस उसके मुकम्मल हो गए हैं, तो 10 बरसों में एनरोलमेंट डेट जो है, जब से आपने अपना नंबर एनरोल कराया था, तो एनरोलमेंट डेट से पहले तब से लेकर अब तक अगर 10 साल में ये आपने एनरोलमेंट कराया है तो 10 साल आपके कंप्लीट हुए हैं, तो एक बार अपडेट कराना ज़रूरी है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे आपका आधार बनाया गया था, चाहे वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो जिसमें आप POI है, प्रूफ ऑफ एड्रेस हो जिसमें आपका एड्रेस है, नाम, पता, रिहाइश सारी हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका अपडेशन कराना ज़रूरी है ताकि आपके नाम पे कोई गलती से, देखिए आजकल आधार कार्ड एक की जगह 2 भी बनते हैं, 3 भी बनते हैं, तो आपका आधार कार्ड या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपने आधार बनाया है, कोई दूसरा उसी नाम से ना बनाए, इस चीज़ से बचने के लिए सरकार ये बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठा रही है। 134 करोड़ जो अभी तक लोगों को आधार दिए गए हैं, ये सबसे बड़ा और अहम इकदाम माना जा रहा है। पिछले एक साल के दौरान 16 करोड़ लोगों के जो इसी तरह के आधार थे उनको अपडेट किया जा चुका है। और अब ये कहा गया है कि एक शख्स जिनने आधार लिया था 10 साल पहले, अब तक अपडेट अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं की है, वो फटाफट से अपडेट करवाए, डॉक्यूमेंट अपडेट्स कराए ताकि सरकार की 1000 के करीब जो स्कीमें हैं उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। 650 स्कीमें जो हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, 315 हैं मरकजी सरकार की, सारी के सारे आधार इकोसिस्टम और बायोमेट्रिक के बेस पे मिलती हैं, जो आप अंगूठा लगाते हैं जाके उस बेस पे मिलती हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें अपडेट अगर आपका नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं होंगे, फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। बायोमेट्रिक अपडेट तभी सही होगा जब आपका आधार अपडेट सही होगा। और ये भी कहा गया है कि फटाफट से जिन्होंने 10 साल पहले आधार बनाए थे, कंप्लीट हो गए, वो करवाएं। तो अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो गलती से भी उसको मत छोड़िएगा, ये चीज़ भूलनी नहीं है। दो नुकसान आपके होंगे, कार्ड कैंसिल हो सकता है और कोई दूसरा आपके नाम पे इस्तेमाल कर सकता है, गलत इस्तेमाल। आधार से बचें, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले दिए थे वही सेम देने हैं, ये पता चल जाएगा। और तीसरी बात कि सरकार जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है इन स्कीमों के तहत, वो फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा अगर आपका आधार अपडेट नहीं है।